हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लाठी का और एक स्पिन सिखाने वाला हूँ जो आपने पहले देख ही लिया है। तो फिर सीखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो ये जो स्पिन है, ये आपने टाइटल में भी देखा है और थंबनेल में भी देखा है। इसका नाम है वन साइड फ्रंट एंड बैक स्पिन। ओके, मतलब एक साइड पर ही आपको फ्रंट, मतलब हाफ साइड होगा, मतलब हाफ फ्रंट हाफ बैक, इस तरह आपको स्पिन करना है। तो कैसे करना है ये आपको ध्यान से पहले देखना है। तो यहाँ पर भी आपको लाठी के बीचों बीच आपको पहले पकड़ना होगा। ओके, इस तरह देखिए। अब यहाँ पर आपको जो है, आपको पहले दो स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो स्टेप मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो आपको सीखना है। तो पहला जो स्टेप है, आप अगर इस तरह रखते हो, ओके, इस तरह देखिए, इस तरह मैं पकड़ रहा हूँ, मतलब हाथ का पाम का साइड डाउन की तरफ है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक साइड पर फिगर एट आपको आता होगा, इस तरह जो फिगर एट होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये नहीं सीखा है तो ये चीज़ सीख लीजिएगा। तो कैसे करना है, आपको पहले फिगर एट करते हुए एक साइड पीछे की तरफ ले जाना है, देखिए, देन यहाँ पर एक फुल रोटेट और यहाँ पर स्टॉप। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर से मैं इस साइड को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, आप इस साइड को फॉलो कीजिए, इस साइड को, मतलब यहाँ पर आपका जो लेफ्ट साइड में है उस साइड को आप फॉलो करना है। देन उसको अप करके पीछे की तरफ डाउन होगा, राइट, देन डाउन होके फिर अप होके लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, ये साइड मेरा था पहले ऊपर। ठीक है, जब मैं इस तरफ पक रहा हूँ देन ये साइड मेरा लेफ्ट में है। तो अब यहाँ इसी चीज़ को, मतलब इसी साइड को हमको पीछे की तरफ भी लेफ्ट में जाके स्टॉप करना है। ओके, देखिए, ये पीछे गया लेफ्ट होके, अब घूम के फिर से लेफ्ट। ओके, तो मेरा जो पोजिशन होगा इस तरह हो जाएगा। ओके, अब देख पा रहे हो, इस तरह आपको पकड़ना है। फिर से ध्यान से देखिए, इस साइड को मैं फॉलो करूंगा, ये अभी सामने है, अभी पीछे जा रहा है, पीछे एक फुल रोटेशन होगा, देन फिर वो लेफ्ट में ही आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका पहला स्टेप। अगर आप पीछे से देखते हो पूरा, देखिए, ये अभी लेफ्ट में है, ये जा रहा है, ये अभी पीछे चला गया, अब पूरा एक रोटेशन होगा, देन लेफ्ट में ही आके स्टॉप होगा, मेरे लेफ्ट साइड में आके ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो आपको पहले ये स्टेप कर लेना है। अब इसके बाद जो स्टेप आपको इसके साथ ऐड करना है वो क्या है, हम फिर से, अभी पीछे चला गया पूरा लाठी, तो हमको फिर से सामने की तरफ उसको लाना है। कैसे करना है देखिए, तो पहले हम ये चीज़ कर लेंगे, ये पूरा एक रोटेशन, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा। अब इस साइड में जो है, ठीक है, मतलब अभी आपका राइट साइड में है, पीछे रहते हुए डंडे का जो साइड आपके राइट में है उसको हम सामने की तरफ, मतलब डाउन करके सामने की तरफ लेंगे, देखिए, और राइट में आके स्टॉप कर देंगे। क्लियर, फिर से देखिए, हम पहले ये कर रहे थे इतना सा। ओके, अब देखिए, इस दौरान जब आपका लाठी आपके पीछे है, ठीक है, उस दौरान लाठी का जो हिस्सा आपके राइट साइड पर है, मतलब जिस हाथ से घुमाओगे उसी साइड पर रहना चाहिए, अभी मैं राइट हैंड से घुमा रहा हूँ, तो मेरे राइट साइड पर जो हिस्सा है उसको हम सामने की तरफ ले आएंगे, और लेके क्या करेंगे, डाउन करके ले आएंगे। ठीक है, तो डाउन करके ये घूम के फिर से राइट में आ जाएगा। क्लियर, फिर से हम पहले से करते हैं। तो हम वन स्टेप में क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड को पीछे लेफ्ट में ये गया, एक फुल रोटेशन होके ये लेफ्ट में आके ठहर गया। अब यहाँ से हम राइट साइड को फॉलो करेंगे, मतलब लाठी के राइट साइड को, उसको हम सामने की तरफ ले आएंगे, लेकिन एक स्पिन करके राइट साइड में आके स्टॉप कर देंगे, देखिए, इस तरह। अब फिर से यहाँ पर दूर से एक बार ध्यान से देखिए, पहले सामने है, अभी लेफ्ट साइड को हमको फॉलो करना है। ओके, तो लेफ्ट साइड को पीछे भी हम जाके फुल एक स्पिन करके लेफ्ट साइड में स्टॉप करेंगे, स्टेप वन। अब टू में क्या है, जो साइड हमारा, मतलब जिस हाथ से घुमा रहे होंगे उसी साइड के हिसाब से लाठी का भी साइड डिपेंड करेगा। ओके, अभी जबकि मैं राइट हैंड से घुमा रहा हूँ तो मैं अभी राइट साइड को फॉलो करूँगा। तो पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ज़रूर, लेकिन हम उसके बाद जब पीछे चला जाएगा, पीछे जाके हम जब स्टॉप कर रहे हैं एक स्टेप के बाद, तब हम राइट साइड को फॉलो करेंगे। और कैसे क्या करेंगे, राइट साइड को डाउन ले जाके एक सामने स्पिन करके राइट साइड में स्टॉप करेंगे, देखिए, इस तरह। ओके, मतलब पीछे से सामने जो आ रहा है वो बिल्कुल सेम, बहुत आसान स्पिन है। ओके, तो फिर से हम लेफ्ट साइड को फॉलो करके ये लेफ्ट में जाके स्टॉप हुआ, अभी राइट साइड को डाउन करके अभी स्टॉप। ओके, अब इसको आपको रनिंग करना है, मतलब दोनों स्टेप को एक के बाद एक, वन टू ऐसे करना है। तो कैसे होगा, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू,
ये स्पिन थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप टू करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे देन आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से वीडियो को पहले आपको देखना चाहिए, उसके बाद आपको सीखना या फिर ट्राई करना है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा और रनिंग करेंगे, कैसे देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, अब इसको हम फुल रनिंग कर देंगे, कैसे, इस तरह। ओके, तो ये आपको इस तरह प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही वीडियो था जहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि लाठी को एक हाथ से पकड़ के एक ही साइड के सामने की तरफ और पीछे की तरफ कैसे घुमाना है, मतलब फिगर एट। ये भी एक फिगर एट की तरह ही है, लेकिन ये हम कहेंगे कि वन साइड फ्रंट एंड बैक स्पिन। ओके, तो एक ही हाथ से पकड़ के एक ही साइड पर फ्रंट और बैक में कैसे स्पिन करना पड़ रहा है। और वीडियो में शायद मैंने एक ही राइट हैंड से दिखाया है, तो आप लेफ्ट हैंड से भी ट्राई कीजिएगा, जो आप धीरे धीरे कीजिएगा, मतलब कि आपको स्टेप फॉलो करके करना है, ठीक है। पहले आप एकदम मास्टर हुए ऐसे ही आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको पहले स्टेप को फॉलो करके करना है, मतलब स्टेप स्टेप करके करना है। ओके, 1 2 इस तरह काउंट करके मैंने जैसे सिखाया वीडियो में, उसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है, देन आपको बहुत ईजिली ये चीज़ आ जाएगा। तो अगर आप वीडियो से सीख पाए हो देन वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, देन आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, ठीक है, देन आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले वीडियो के लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।